आप देख रहे हैं आज मैं नहीं मेरी फ्रेंड को मैं रेडी कर रही हूँ फॉर दिवाली हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल माई चैनल इट्स कनिकाज चैनल हाई सो आज हम करेंगे इनका मेकअप दिवाली मेकअप तो स्टार्ट करें और इजी और सिंपल मेकअप करेंगे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं सो so फर्स्ट हम फेस प्रेप कर लेते हैं स्किन केयर से हमने किया नीम तुलसी टोनर फॉर गुड वाइप्स सो देख सकते हैं आप इसको हम अपने स्किन पे डैबेंड कर लेंगे अच्छे से उसके बाद थोड़े से हैंड से भी कर सकते हैं आप टैप टैप जिससे वो हमारे फेस के अंदर तक चला जाए हमारा पीएच लेवल बैलेंस हो जाए सो so, इसकी भी थोड़ी थोड़ी बहुत पिंपल स्किन है इसलिए नीम तुलसी गुड है इसकी स्किन के लिए नेक्स्ट हम आई एम्स्टरडेम का कंसीलर लेंगे हम आज फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाएंगे बिकॉज ऑफिस दिवाली पार्टी थी तो इतना हैवी तो ऑफिस नहीं करके जाएंगे सो so हमने लिया है हम एम्स्टरडेम का कंसीलर जो कि बहुत अच्छा है और मैंने डिस्काउंटेड में लिया है पर्पल से so, जो जो से स्पोर्ट्स हैं उन उन पे हम कंसीलर लगा देंगे और आईज़ पे आईलिट पे लगाएंगे और फॉरहेड पे भी लगा देंगे जैसे कि आपने देखा एंड हम ब्रश से अच्छे से इसको डैप डैप करके कंसील कर देंगे आप देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ और अपने आईब्रोज़ इसकी आईब्रोज़ भी बनी नहीं हुई थी तो उसको भी हमें शार्पन करके दिखाना था तो उस पर भी मैंने अच्छे से ऊपर नीचे दोनों लाइंस कर दी हैं सो ये हो गया हमारा कंसीलर डन अब हम इसको सेट करेंगे फिट के कॉम्पैक्ट से सो आप देख सकते हैं मैंने कॉम्पैक्ट लिया फिट का न्यू लॉन्च सो उससे मैंने इसका सारा कंसीलर वगैरह कर दिया है नेक तक लेके जाना है ईयर्स तक लेके जाना है कुछ भी भूलना नहीं है वेटर्न वाइल्ड की पैलेट लिए उसी से हम ब्लश ऑन करेंगे एक रेडिश पिंकी शेड से ये ऑल टाइम फेवरेट मेरी पैलेट है और इससे हम ब्लश ऑन कंटोर, आई शेडो आईब्रोज सब कर सकते हैं ये इतनी अच्छी वर्सेटाइल पैलेट है ये सो so ये रेडिश शेड मैंने आपको दिखाया इसी से ही हम ब्लश ऑन कर देंगे कंट्रोलिंग वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि ओबियसली दिवाली पार्टी वो भी ऑफिस की है तो हम बहुत लाइट और सिंपल मेकअप रख रहे हैं जो अच्छा भी लगे एलिगेंट भी लगे और दिवाली फेस्टिव लुक भी है सो आप देख सकते हैं मैंने एक ब्राउनिश सा कलर लिया और फिर अब मैं इसको डेप्थ दूंगी एक डार्क ब्राउन कलर से सिर्फ आउटर कॉर्नर पे हल्का सा डेप्थ देने के लिए देखिए एक पेंसिल ब्रश से मैंने डेप्थ दिया है आप थोड़ा बैकग्राउंड का इग्नोर करिए क्योंकि हम मिरर के आगे अपना कर रहे थे तो इस वजह से कोई सेटअप नहीं था सुबह के बहुत जल्दी सुबह की मॉर्निंग हो रही थी काफ़ी जल्दी मैं इसको रेडी कर रही थी अब हम गोल्डन शेड लेंगे जो बहुत अच्छा और वेरी पिगमेंटेड है सो वो हमें हमने इनर कॉर्नर्स पे लगा दिया वही हम डग पे साथ के साथ लगाते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे अपनी थर्ड फिंगर से आप देख सकते हैं अब हम इसी को इसी गोल्डन को हम हाईलाइट करेंगे चीक बॉन्स पे देख सकते हैं आप और अपने टिप ऑफ द नोज़ पे लिप्स पे चेन पे और फॉरेड पे सो ये हो गया डन अब हम लगाएंगे लाइनर ये आपको दिखा रही है कि कैसा हुआ मेकअप सो सिंपल येट ईजी सो so, अब आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिया एन वाई बे का लाइनर लिया है फिफ्टी सिक्सटी रुपीज़ में आपको पर्पल डॉट कॉम पर मिल जाएगा और इसकी टिप बहुत अच्छी है आपको सस्ता टिकाऊ लेना है तो आप ये वाला लाइनर ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं और अब मैंने लिया है एन वाई एक्स का पैलेट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी से मैं इसकी आईब्रोज़ को फिल इन करूँ क्योंकि बिल्कुल भी ग्रूम्ड नहीं है तो इसके डार्क ब्राउन शेड से मैं करूँगी इसको अच्छे से अब आप देखेंगे कि एकदम चेंज आएगा एकदम इसके मेकअप में क्योंकि आईब्रोज़ बनानी बहुत ज़रूरी होती है तो प्लीज़ आईब्रोज़ पे थोड़ा फोकस करना बहुत ज़रूरी है नहीं कि आप सारा मेकअप कर लो और आईब्रोज ना बन ना ड्रॉ करो तो उससे लुक सारा ख़राब हो जाता है तो आप देख सकते हैं आईब्रोज डन हो चुकी हैं ऑलमोस्ट सारा मेकअप डन है कि हम हम आपको मेकअप दिखा रहे हैं कि ये मेकअप है तो कंसीलर से भी आप मेकअप कर सकते हैं अब मैं लगाऊंगी मस्कारा ज़्यादा कोट नहीं सिर्फ दो कोट लगाऊंगी एक आई पे तो आप देखिए सो तो गाइज ये मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है और इसका यूट्यूब चैनल का नाम है हर्षताज किचन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो तो आप एक बार जाइए अच्छी अच्छी चीज़ें ये कुक करती है बहुत अच्छे कुक है सो so, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसकी रेसिपीज स्मूदीज़ काफ़ी कुछ चीज़ें डाइट से रिलेटेड भी ये काफ़ी आपको चीज़ें बताएगी सो so, आप ट्राई करना ज़रूर तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लीज़ मेरे और इसके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं लॉरल का लिपस्टिक लगा रही हूँ जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है सो so, इससे मैं एक्चुअली सिर्फ इसकी लिप्स को ड्रॉ करूँगी और थोड़ा सा ओमरे शेड देने के लिए पहले लाइट पिंक कलर अब मैं इसको एक पीची सॉर्ट ऑफ ऑरेंज जो इसके ड्रेस पे फ्लावर बने हुए हैं वैसे कलर का एक, एक, एक लिपस्टिक लगाऊँगी इसको अंदर फिल इन करने के लिए सो हेर इज़ अ लुक फाइनल लुक